तो 3 मिनट में 30 बड़ी खबरों पर नजर। नहीं रोके जाएंगे 2 लाख एससी छात्रों के रोल नंबर, मंत्रियों की बैठक के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ऐलान। दादा की भूमिका में है मास्टर मोहनलाल, अपनी भूमिका निभाएं, बीजेपी के अश्विनी शर्मा ने कहा। अमृतसर में अवैध हथियारों का जखीरा मिला, 48 विदेशी पिस्टलों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। कैथल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगुवाई में प्रदर्शन किया। फतेहाबाद में भी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। पेट्रोल और डीजल के बड़े रेटों को लेकर कांग्रेस ने पेट्रोल पंप के बाहर प्रदर्शन किया। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पानीपत में भी कांग्रेस का हल्ला हुआ। बठिंडा में भागू रोड पानी की मोटर चोरी करने के इल्जाम में एक महिला की जमकर पिटाई की। हरियाणा बीजेपी संगठन में कई पदों को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई। रिवाड़ी में 10 साल की नाबालिग से गैंगरेप, 5 लोग गिरफ्तार। अवैध निर्माण गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे फरीदाबाद के कोरी गांव के ग्रामीण। पहलवान सागर हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने आरोपी अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 10वीं के नतीजों का ऐलान करेगा। सिरसा स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू की। हिमाचल में बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के अब सैलानियों की एंट्री हो पाएगी। रूपनगर के बेअंत नगर और अमर नगर में सीवरेज की समस्या से बुरा हाल। हिसार में 30 वर्षीय रवीना ने अपनी 4.5 साल की बच्ची के साथ सुसाइड की। अम्बाला में पुलिस ने छापेमारी की, 21 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। यमुनानगर में मेरा राशन ऐप के जरिए प्रवासी लोगों को फायदा हो रहा। पानीपत में तेल की कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दीनानगर क्षेत्र में तेज आंधी चली, गुल हुई बिजली। करनाल के इंद्री हलके में गांव चंद्राम में किसानों और फैक्ट्री के मालिक के बीच में विवाद जारी। हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल खजियार में महामारी की वजह से पर्यटकों की संख्या बेहद कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र को संबोधन करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला के नूरबाग में भीषण आग की चपेट में कई घर झुलसे। दिल्ली में 12वीं के बाद 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी रद्द। नुसरत जहां के बाद उनके पति निखिल जैन का बयान आया सामने। केंद्र सरकार ने दिल्ली में गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय की। बठिंडा में मलोट रोड पर एक ट्रॉले ने बाइक सवार को टक्कर मारी। कल देर शाम भरमौर क्षेत्र के कई पंचायतों में बादल फटने की खबर।